देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी, अब जो भी बात होगी वह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर होगी। काबुल में शादी की पार्टी में आतंकी धमाका, 63 लोगों की मौत, 182 लोग हुए जख्मी। सतना में बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या, जमीन विवाद में हुआ रिश्तों का खून। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शराबी शिक्षक, छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की हुई पिटाई। और जनतंत्र में जन की पीठ पर सवार हुआ तंत्र, कमलनाथ राज में ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अब जो भी बात होगी वह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर होगी। रक्षा मंत्री ने यह बात हरियाणा के कालका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पाकिस्तान को भी यही डर पिछले कुछ दिनों से सता रहा है। पाक हुक्मरान को लग रहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद भारत अब पीओके में बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ जो कायराना हरकत हुई, उसके बाद 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने देखा कि एयरफोर्स के हमारे जवानों ने बालाकोट में जाकर आतंकियों का सफाया किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम काफी पहले से कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, एक शख्स भी नहीं मरा है। अब वही पीओके में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक करने के बारे में विचार कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि पाक पीएम ने भी स्वीकार किया है कि बालाकोट में भारत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए, किस बात पर बात होनी चाहिए, कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, क्यों बात होनी चाहिए। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी, अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। पाकिस्तान पर हमला करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पड़ोसी देश अब दुनिया के देशों का दरवाजा खटखटाकर बचाने की गुहार लगा रहा है। वह रुक रुक कर धमकी भी दे रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि जाओ भारत के साथ बैठकर बात करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार रहे या ना रहे, भारत माता का मस्तक झुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वह अपनी धरती से संचालित आतंकवाद को खत्म करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान से बात करने की कोई वजह नहीं है। काबुल में शादी की पार्टी में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में 63 लोगों की जान चली गई और 182 लोग जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला है जिसे आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया है। शनिवार की रात काबुल के एक होटल में चल रही शादी की पार्टी में एक विस्फोट हुआ। इसमें 63 लोगों की मारे जाने की खबर आई। विस्फोट में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 182 लोग घायल हो गए। एक स्थानीय अस्पताल ने कहा कि हमारे यहाँ इलाज के लिए कई घायलों को लाया गया है, जबकि एक गवाह ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल पर कई शवों को देखा। एक शादी की पार्टी के दौरान होटल में यह धमाका हुआ है। यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ, अमेरिका और तालिबान एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है जिसके तहत करीब 14,000 अमेरिकी सैनिकों की वहां से निकासी शुरू हो जाएगी। इसके बदले में विद्रोहियों ने विभिन्न सुरक्षा आश्वासन अमेरिका को दिए हैं। अफगान शादियां भव्य होती हैं जिसमें सैकड़ों या कई बार हजारों मेहमान विशालकाय विवाह मंडपों के अंदर जश्न मनाते हैं। यहाँ पुरुष आमतौर पर महिलाओं और बच्चों से अलग शिरकत करते हैं। धमाके के बाद करीब 20 मिनट के लिए हॉल धुएं से भर गया था। पुरुषों के क्षेत्र
में मौजूद अधिकांश लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी भी आतंकी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। सरकारी प्रवक्ता फिरोज बशारी ने कहा कि विस्फोट एक स्पष्ट संकेत था कि आतंकवादी अफगानों की खुशी नहीं देख सकते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आप उनकी हत्या कर उन्हें नहीं झुका सकते हैं। आज रात के हमलावरों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी में कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप में से कई वैज्ञानिक इंजीनियर और इनोवेटर्स होंगे। मोदी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भूटान के वैज्ञानिक भी सैटेलाइट बनाएंगे। हमने दक्षिण एशिया उपग्रह के थिम्पू ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया और अपने अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार किया। उपग्रहों के जरिए टेली मेडिसिन के लाभ, दूरस्थ शिक्षा, मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी आदि सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तमाम सेक्टर में ऐतिहासिक परिवर्तनों का गवाह बन रहा है। पिछले 5 साल में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान की साझा संस्कृति है। आज के समय में अवसरों की कमी नहीं है। भारत और भूटान के लोगों में जबरदस्त जुड़ाव है। पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि वे परीक्षा को लेकर कतई तनाव न लें। पीएम मोदी ने अपनी लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स में भी चर्चा की। कहा कि यह पुस्तक बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा और आध्यात्मिकता हमारी ताकत है। भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग और पीएम मोदी ने शनिवार को संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को अधिक मजबूत करने के लिए भूटानी नेताओं के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने 9 समझौता पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते के तहत इसरो थिम्पू में अर्थ स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक बिजली खरीद समझौता भी हुआ। अन्य समझौतों के तहत विमान हादसे और दुर्घटना की जांच, न्यायिक शिक्षा, अकादमिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, विधिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में MOU किया गया। सरयाम एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। बच्चे के परिजनों से 10 लाख रुपए फिरौती मांगी जाती है और अपहरणकर्ता बच्चे की हत्या कर देते हैं। यह सारा घटनाक्रम पुराने विवाद का नतीजा बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना नजर आया। सतना जिले के अपरापाटन थाना के चोरहटा गांव से किडनैप 13 वर्षीय बच्चे विकास प्रजापति की किडनैपरों ने हत्या कर दी है। बच्चे का अपहरण करने के दूसरे दिन बच्चे के पिता अमित प्रजापति के पास 10 लाख की फिरौती देने के लिए फोन आया था। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू हुई और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर वंशीपुर गाँव के एक कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया। एक किडनैपर अब भी फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस मामले में सतना के चित्रकूट में 2 बच्चों के अपहरण और हत्या का मामला की याद ताजा करवा दी है। मासूम विकास का अपहरण गांव में ही रहने वाले उसके चचेरे भाई ने अपने साले के साथ मिलकर किया था। अपहरणकर्ताओं ने पहचान छुपाने के लिए बच्चे की हत्या कर दी। इसमें उन्होंने चित्रकूट में हुए जुड़वा भाइयों के अपहरण के बाद हत्या की वारदात का तरीका अपनाया। एक बार फिर अपहरण और हत्या की वारदात से क्षेत्र आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी की बच्चे के परिवार से पुरानी रंजिश भी थी। आरोपी बच्चे के परिजनों के साथ मिलकर बच्चे की तलाश करता रहा। 16 तारीख को भी उसको घुमाने के बहाने बुलाया। पास में ही एक छोटा सा फोर्ट बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, वहाँ ले जाने की नियत से सच्चा अपने खुद की मर्जी से बैठ के गाड़ी वहाँ गए। वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने उसका हाथ और पैर कुएं में भी लाता और लगाया। कुएं में कुआ वहाँ पे पानी, बारिश का पानी भरा हुआ डाले और बाद में 16 तारीख को शाम को भी जाके देख ले कि वो मरे कि नहीं। अगले दिन जब FIR कायम हुआ और गुमशुदगी का और पुलिस भेजना में जुड़े उनको पता चला कि उनको लगा कि कहीं पकड़ में जाए, तो उन्होंने कल 17 तारीख को जाके एक सिम, फर्जी सिम, दोगुना पैसा लेके शॉप से लिया और पुलिस ने उन जो जो दुकानदार है जिसने फर्जी सिम बना के दिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस सरकार के रहते अब ये सब इस तरह की घटनाओं में अगर रोक नहीं लगाई गई तो विपक्ष
का कार्यकर्ता होने के नाते, विपक्ष ने के जो सांसद के नाते, जो हमको यहाँ के रीवा वासियों ने, सतना के लोगों ने, जिन लोगों ने ये दायित्व दिया है, उनके परिवर्तन करें। इस मामले में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बच्चे का अपहरण और हत्या के बाद आरोपी पुलिस के सामने ही बच्चे को खोजने का ड्रामा करता रहा। मृतक बच्चे विकास के परिवार और आरोपियों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आपसी रंजिश के चलते ही तेज वली ने अपने चाचा के पुत्र के अपहरण और हत्या की योजना बनाई और मासूम विकास प्रजापति को घुमाने ले गया और उसकी हत्या कर दी। इंदौर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन में 11 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। सिलावट ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर आई हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। सिलावट ने यह कदम हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए 11 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद उठाया। तुलसी सिलावट ने कहा कि गंभीर मामला है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जाँच करवाई जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंखों की रोशनी लेने वाले डॉक्टर, हाय हाय, आंखों की रोशनी लेने वाले डॉक्टर, हाय हाय, लापरवाह डॉक्टरों पर FIR दर्ज करो, लापरवाह डॉक्टरों पर FIR दर्ज करो। सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाए, FIR दर्ज की जाए और रेड क्रॉस से जिलाधीश को निर्देश दिए हैं कि उस परिवार को 20,000 रुपए की राहत राशि दी जाए और इस घटना पर मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी चिंतित हैं। ऐसे जो इस घटना में शामिल है, जो लापरवाही जिन्होंने की है, उन पे कड़ी से कड़ी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुलसी सिलावट ने बताया कि चेन्नई के शंकर हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक बुलाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इन लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सके। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए। बड़े नेता के कार्यक्रम में भीड़ और वाहन बढ़ाकर सरकारी अमला अपने नंबर बढ़ाने का काम करता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब ढोकर लाए गए ग्रामीण वाहन समेत आयोजन स्थल पर मौजूद दलदल में फंस गए और जिम्मेदार अफसर ग्रामीण को उसी हालत में छोड़कर खिसक लिए। गुस्साए ग्रामीणों ने जब चक्का जाम किया तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। ये कार्यक्रम किसी और का नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था। कई बार अफसरों के पास उल्टे भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्या तोकापाल में सामने आया। अफसर मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अफसरों की तब फजीहत हो गई जब तोकापाल में एक सरकारी आयोजन के लिए बसों ट्रकों में लाए गए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। दरअसल ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आयोजन में ट्रक और बसों में भरकर लाया गया था। जिस जगह यह आयोजन था वहां वाहन खड़ा करने की जगह नहीं थी और आए हुए वाहनों को दलदल में ही खड़ा कर दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी अफसर और नेता ग्रामीणों को उसी हालत में छोड़कर चले गए। घंटों से दलदल में फंसे ग्रामीणों को जब देखने वाला कोई नहीं आया तो भूखे प्यासे गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। आला अफसरों को जब इसकी खबर लगी तो वो हरकत में आए। हड़बड़ाए अफसरों ने जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। सभी ग्रामीण मुख्यमंत्री को कोस रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि अफसर और नेता उनको बातों में फंसाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाए और उनके लिए मुसीबत में फंसने पर किसी ने उनकी सुत तक नहीं ली। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईशान बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। यंग पीढ़ी है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि 15 अगस्त के दिन बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि वो खुशियां मनाएं और देश के प्रति और आगे आए। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ में कामना करता हूं कि सभी देशवासियों का, सभी भोपालवासियों का, सभी प्रदेशवासियों का स्वयं का अपना आवास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार, मैं दिनेश गर्ग मयस एंटरप्राइज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अकादमी भोपाल शाखा, छिंदवाड़ा शाखा और बालाघाट शाखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। मैं सुधीर गुप्ता मधुरम ग्रुप की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मोदी जी ने सभी देशवासियों को जो धारा 370-35A की जो सौगात दी है जिससे कश्मीर की तरक्की निश्चित है, वो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। द्वारका प्रसाद चौक से अध्यक्ष सीएमओ नगर परिषद साई खेड़ा की ओर से देश प्रदेश और शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीता भगवान दास मेहरा अध्यक्ष सीएमओ राजीव लोचन कटारे नगर परिषद साली चौक की ओर से देश प्रदेश और शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुधा भोग चंद्र ताम्रकर अध्यक्ष नगर परिषद चिचली जीएस राजपूत सीएमओ नगर परिषद चिचली की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिता रविशेखर जायसवाल अध्यक्ष, कमल खटीक उपाध्यक्ष, संजय बाबू घाटड़े मुख्य नगर पालिका अधिकारी गाडरवारा की ओर से देश और प्रदेश के सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनीता पटेल विधायक गाडरवारा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका रीवा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीडब्ल्यूडी ग्वालियर हरिओम शर्मा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग ग्वालियर सीएमएचओ की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग मलेरिया ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साई डीजे गोल पहाड़िया बिजली घर ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकुर अष्टाना ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रीय अधिकारी 19 राकेश कुशवाहा ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत झापड़ा सरपंच नीलाबाई ओसले और सचिव संतोष पाटिल, सहायक सचिव अमित मालपीय एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत रैसलपुर सरपंच उत्तम बड़ोदिया, सरपंच प्रतिनिधि राजेश बड़ोदिया, जनपद सदस्य रामविलास उइके, समस्त ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत मगरधा सरपंच रेवाबाई शिंदे, सचिव उमाशंकर गौर एवं समस्त पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत जिजगांव सरपंच सुनील राय खेरी, सचिव रामदास गौर, सहायक सचिव दिलीप शर्मा एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से देश और प्रदेश शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत गहाल सरपंच पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बड़वानी सरपंच मालतीबाई व राधेश्याम कवल एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बस पानी सरपंच मंगलबाई, सचिव ओम प्रकाश गौर एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत नाकवाड़ा सरपंच फूलपती बाई, सचिव रेवाराम शर्मा, उप सरपंच अरुण राजपूत एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खामगांव सरपंच किरण बाई, सचिव दीपक यादव एवं समस्त ग्राम पंच एवं ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
ग्राम पंचायत बोथी सरपंच फग्गू पांच से सचिव ज्ञान सिंह तोमर एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासियों की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनवा बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पन्ना अभयारण्य की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने दूसरे प्रदेश से बाघ लाने का फैसला लिया है और उसके बाद बाघों को लाकर जंगल में ब्रीडिंग कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ से पन्ना गई दो IFS अधिकारियों की टीम वापस रायपुर लौट आई है। टीम ने पन्ना अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया, वहां ने अधिकारियों ने कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया आदि की जानकारी जुटाई। अब इन अधिकारियों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में बाघों की संख्या जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंतनीय है। यहां बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 पहुंच गई है। बाघ घटने से वन विभाग सख्ते में आ गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में अधिकारियों को पन्ना अभयारण्य भेजा गया ताकि वहां की तर्ज पर यहां बाघों की संख्या बढ़ाने का प्लान बनाया जा सके। ऐसा लगता है सरकार की शराब नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ टीचर्स हैं जो स्कूल में शराब पीकर पड़े रहते हैं या फिर साथी टीचर्स को परेशान करते हैं। कांग्रेस राज में तो एक शराबी टीचर ने अपनी साथी महिला टीचर्स को इतना परेशान किया कि महिला टीचर्स ने शराबी टीचर्स की पिटाई लगा दी। ये नजारा किसी मैखाने का नहीं है, ये स्कूल का है और कुर्सियों पर पड़ा ये व्यक्ति स्कूल का शिक्षक है। स्कूल के समय नशे में धुत ये टीचर बताता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। ये इतने नशे में था कि उससे जब स्कूल की कुर्सियों पर बैठते नहीं बना तो वहीं कुर्सियों पर ही लेट गया। इस दौरान सुध-बुध खो चुका ये शिक्षक स्कूली बच्चों को भी गालियां बकता रहा। सरकार देख लीजिए आपके राज में चल क्या रहा है। ये वीडियो बैतूल के आठनेर विकासखंड के तहत आने वाली कामला संकुल के दाभोना प्राइमरी स्कूल का है, जहां एकमात्र शिक्षक दिनकर उइके अक्सर शराब के नशे में धुत रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद अब अधिकारी इसकी जांच करवा कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये जो वीडियो है मेरे को अभी पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी जांच के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी आठनेर को भेज देता हूं और यदि शराब पीकर आता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अब देखिए दूसरा नजारा। सोशल मीडिया पर मालवा का यह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पीछे शासकीय हाई स्कूल खुर्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो 15 अगस्त के दिन का है, जब शराब के नशे में शिक्षक ने साथी महिला शिक्षक को फोन पर कुछ मैसेज किया। आजादी का पर्व और रक्षाबंधन के दिन इस महिला शिक्षिका ने इस शिक्षक की जमकर मरम्मत की और आरोपी शिक्षक को अपने पैरों में गिरवा लिया। महिला शिक्षक के गुस्से के सामने ये टीचर मिमियाता नजर आया। आज राखी भी है, बहन माना करो हर किसी को। नहीं तो तुमसे गलती ये कौन सी तरीका है कि किसी महिला से गलती, मतलब जो मन में होगा वो। भारी बारिश के चलते ओंकारेश्वर में घाट जलमग्न हो गए हैं और श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध के गेट खोले जाने से भी नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने नर्मदा किनारे रह रहे रहवासियों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है।
ओमकारेश्वर बांध लबालब होने के कारण 23 में से 14 गेट 2.5 मीटर तक खोलकर 4,350 क्यूमैक्स और 8 टर्बाइन में से 1,920 क्यूमैक्स पानी नर्मदा में छोड़ा गया है। इससे नर्मदा न्यूनतम जलस्तर से करीबन 15 फीट ऊपर बहने लगी है। सभी घाटों पर पानी भर गया है। इसी तरह इंदिरा सागर बांध के 12 गेट 1-1 मीटर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नर्मदा किनारे के रहवासियों को ऊंचे स्थानों पर जाने की समझाइश दी है। इससे पहले भी ओमकारेश्वर बांध के 5 गेट खोले गए थे। पानी की आवक ज्यादा होने से बांध प्रबंधन ने खोले जाने वाले गेटों की संख्या 5 में से 14 कर दी है। टर्बाइनों और गेटों से 6,270 क्यूमैक्स पानी नर्मदा के प्रति सेकंड छोड़ा गया है। प्रशासन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ब्रह्मपुरी घाट, गौमुख घाट, श्री पंचायती, महानिर्वाणी, अखाड़ा घाट, नागर घाट और अभय घाट सहित मोटक्का से खेड़ी घाट में स्नान कर प्रतिबंध लगा दिया है। मामूली विवाद और कहासुनी को लेकर एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला छतरपुर के चंदला का है। छतरपुर के चंदला स्थित खुर्दगुड़ा गांव में मामूली विवाद पर एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कमतुआ हिरवार और दादू कुशवाहा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस लड़ाई झगड़े में कमतू के सिर पर चोट लग गई और कमतू की मौके पर मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। ये लोग तत्काल हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाया और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक कुशवाहा परिवार के एक व्यक्ति और एक अहिरवार समाज के व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ था और कुशवाहा समाज का जो व्यक्ति था वो थाने में रिपोर्ट करने गया था, उसके सिर में चोटें थी, मेडिकल कराने के लिए उसको भेजा गया था। दूसरा जो व्यक्ति है कमतू अहिरवार, वो थाने में शिकायत करने नहीं आया था, अस्पताल में उसको छोड़ा था, जहाँ से उसके परिजन उसको घर ले गए थे। और घर में जाने के बाद जब वो घर में सो गया था, तब घर वालों को पता चला कि उसकी रात्रि में डेथ हो गई है। परिवार वालों ने इसकी रिपोर्ट की है, थाना प्रभारी ने उसमें अपराध दर्ज कर लिया है। वीर शहीदों के सम्मान में युवा एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने रीवा में तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया। इस मौके पर वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्रता दिवस के 73वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर युवा एकता परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शहीदों के मान और सम्मान में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। यात्रा नगरपालिका से प्रारंभ होकर गोविंदगढ़ बाजार गोमती चौराहे से होते हुए वापस नगरपालिका पहुंची। इस मौके पर शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया और शहीदों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने एकता परिषद द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा की सराहना की और कहा कि शहीदों की याद में ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे कि देश के जवानों ने देश की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना, युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना, बस इसका यही मुख्य उद्देश्य है। और यह तिरंगा यात्रा गोविंदगढ़ नगर पालिका से प्रारंभ। ये खबर सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे जनतंत्र में तंत्र किस तरह जन की पीठ पर सवार होकर उसका तेल निकाल रहा है, यह उसकी वानगी भर है। कहा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में जो हो जाए सो कम है। एक तरफ ग्रामीण पानी के प्रकोप से परेशान है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सर्वे करने आ रहे अफसर ग्रामीणों की सवारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप भी देख लीजिए एक ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी को। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के चलते शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है, इससे कई स्थानों पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ऐसे में सरकार बारिश से हुए नुकसान के सर्वे करती है। इस बार भी सर्वे का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप तो बाढ़ और पानी से बेहाल लोगों का हाल जानने गाँव, खेत और कीचड़ में पहुंचे नहीं, लेकिन ऐसे में सरकारी मुलाजिम इसमें भी रसूख दिखाने से पीछे नहीं हटे। कई जगह आला अधिकारियों से लेकर पटवारियों तक ने यह कहा कि जब मौसम खुल जाएगा तब देखेंगे, लेकिन कुछ तैयार हुए तो इस शर्त पर कि जहां सर्वे करने जाएंगे वहां के ग्रामीण अफसरों को पानी से बचाएंगे। बस
फिर क्या था? जिन परेशान किसानों को अपनी बर्बादी का सर्वे कराना था, वे पटवारियों की सेवा में लग गए। देख लीजिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज में ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी को। सिंध नदी में एक पटवारी ग्रामीण की पीठ पर बैठकर सर्वे करने पहुंचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी का बहाव तेज है। ऐसे में ग्रामीण की जान जोखिम में डालकर पटवारी ने उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार की। नुकसान का सर्वे करने साखनोर बदरवास आए इस पटवारी का नाम पीयूष राजपूत है। इस मामले में पटवारी का कहना है कि जब वह पिपरोदन से साखनोर सर्वे के लिए गया, तब रपटे पर पानी ना के बराबर था, लेकिन लौटने लगे तो पानी बढ़ गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, देख लीजिए, आपके अफसर आपकी रियाया का क्या हाल कर रहे हैं। अगर आपकी नजर ऐसे ही चूकती रही तो अफसर जनता की पीठ पर सवारी करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.